आपको बढ़ावा देगा भगत सिंह को मानने वाला इंसान, इसीलिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी। अरे भगत सिंह के नाम को तो कम से कम छोड़ दीजिए। ये भ्रष्टाचारों की, चारियों की, दलालों की, चोरों की, आतंकवाद के समर्थन देने वालों की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते तब तक ये आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। मैं दिनेश प्रताप सिंह हूँ, खुला चुनौती देता हूँ, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे देश की जो एजेंसी हो, मेरे विरोध में लगा दो, मेरा जांच कर लो, मुझ में कोई दोष नहीं, तो मैं डरूंगा क्यों? वक्त हम नई दिल्ली के आईटीओ चौक पर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के नई शराब नीति में हुए घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए कैमरामैन से कहेंगे कितने तादाद में भारतीय जनता पार्टी के यहां कार्यकर्ता मौजूद हैं और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आईटीओ चौक से लेकर के आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक ये जो है प्रदर्शन किया जाएगा। आदेश गुप्ता और बदरपुर से नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी, साथ में दिल्ली के प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और भारी तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में हुए घोटाले के विरोध में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का मांग किया जा रहा है, उनको बर्खास्त करने का मांग किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके अधीन आबकारी विभाग आता है, उन्हें इस मामले में यहाँ पर घेरा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मुख्य सचिव द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें दिल्ली एक्साइज एक्ट का उल्लंघन किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो शराब बेचने वाले हैं उनकी जो लाइसेंस ली जाती है, उनके फीस में माफ़ी कर दी गई और इससे जो आबकारी विभाग है, जो सरकार है, इसको काफ़ी नुकसान हुआ, करोड़ों का घाटा हुआ। इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे दिल्ली से प्रदेश प्रवक्ता हैं मोहनलाल गिरा, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे आज प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ में, ये क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि कुछ शराब नीति में घोटाला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्यारे जी, पहले इनकी एक निगम पार्षद रंगे हाथों पकड़ी गई 20,000 रुपए की दलाली करते हुए, सीबीआई ने पकड़ा। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इनके सत्येंद्र जैन, उनके रिश्तेदार के यहाँ 4 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, बट कोई कार्रवाई नहीं। वो आज 30 दिन से ज़्यादा जेल में ईडी कस्टडी में है। अब तीसरा नाम मनीष सिसोदिया का आ रहा है, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। इनके अमानतुल्ला खान, वो बोर्ड की उसमें करप्ट पाए जा रहे हैं। इनका सभी विभाग, चाहे आप इनके सड़क की बात करें सड़क में घोटाले, चाहे जल की बात करें जल घोटाले, चाहे बिजली की बात करें बिजली घोटाले, आप किसी विभाग को उठा लीजिए, शिक्षा की बात करें शिक्षा घोटाले, कहाँ नहीं है घोटाला। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि वास्तव में आज ये दिल्ली के मुख्यमंत्री घोटालों के, बेईमानी के और भ्रष्टाचारी के प्राय बन गए हैं। आज यदि कहीं पूरे देश में बात होती है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहला नाम केजरीवाल जी का आता है। कहीं भी ये कट्टर ईमानदार कहते हैं, मैं कहता हूँ कट्टर बेईमान पार्टी है, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, कट्टर राष्ट्रवाद विरोधी पार्टी है। ये केजरीवाल जी ने ऐसा सत्यानाश और बेड़ा रख कर दिया दिल्ली का कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता इनको पाँव से इनको उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, अभी अगर बात करें अभी पिछले कल परसों की, तो केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि भाजपा जो है वो सावरकर की औलाद है और वो सावरकर की औलाद नहीं है, वो भगत सिंह को मानने वाले हैं। तो भगत सिंह को मानने वाला इंसान शराब को बढ़ावा कैसे दे सकता है? सर, इसको क्या कहना चाहिए? शराब को बढ़ावा देगा भगत सिंह को मानने वाला इंसान, इसीलिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी। अरे भगत सिंह के नाम को तो कम से कम छोड़ दीजिए। भगत सिंह जो आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उनको सम्मान से देखती है, आपने उनका नाम अपने साथ जोड़कर, उनको शराब माफिया वाली पार्टी के साथ जोड़कर, उनको भ्रष्टाचार वाली पार्टी के साथ जोड़कर, उनको बेईमान पार्टी के साथ जोड़कर आपने शहीद भगत सिंह जी का अपमान किया है। ये ना जनता उनको बख्शेगी ना भगवान उनको बख्शेगा, ये गलत है। और जिस तरह से ये लगातार भ्रष्टाचार पे
एक एक इनका मंत्री पकड़ा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं प्यारे मोहन जी, आप देखिएगा इनके सातों के सातों मंत्री जेल जाएंगे और एक दिन केजरीवाल भी जेल जाएंगे। और इस पर दिल्ली से प्रदेश महामंत्री हैं कुलजीत, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर ये भ्रष्टाचारों की, चारियों की, दलालों की, चोरों की, आतंकवाद के समर्थन देने वालों की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। माँ काम चोर, दलालों का समर्थन करने वाले, जिनकी कोई अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब से सीबीआई के पास उनके उप मुख्यमंत्री की फाइल पहुंची है, उनकी पैंट ढीली और गीली और दिल की धड़कन बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है। उनके एक साथी हमें बता रहे थे कि भाई साहब, रात की नींद और दिन का चैन अरविंद केजरीवाल जी का, दलाल अरविंद केजरीवाल जी का खो गया है। ये प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, वो अपने मंत्रिमंडल से भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करे। जारी रहेगा प्रदर्शन, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक भ्रष्टाचारी मंत्री बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को डिटेन करके दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है और यहां पे भारी मात्रा में समर्थक की भी मौजूदगी है जो उनका लगातार समर्थन कर रहे हैं। और नई दिल्ली के नई शराब नीति के विरोध में ये प्रदर्शन जारी था दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पे लगातार दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है। और आदेश गुप्ता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। एक बार फिर उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी सरकार अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते, तब तक ये आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाने वाले केजरीवाल, ये सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करते। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी मंत्री गिरफ्तारी तक, ये आंदोलन बर्खास्तगी तक, ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, जिस प्रकार से ये नए शराब नीति के घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भर में प्रदर्शन कर रही है और आज भी प्रदर्शन जारी रहा, इसके पहले भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली पुलिस लोगों को डिटेन भी कर रही है, आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है और राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली सर्वोपरि है। जब दिल्ली बचेगी, दिल्ली के नौजवान बचेंगे, दिल्ली सुरक्षित रहेगी, दिल्ली व्यवस्थित रहेगी, दिल्ली स्वच्छ रहेगी, तभी तो दिल्ली में कोई रहेगा। लेकिन जो लोग राजा हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, अन्ना के आंदोलन से निकले, लोकपाल की बात करते थे, सच्चाई की दुहाई देते थे, यहां तक कहते थे कि इस देश में मैं ही एक ईमानदार व्यक्ति हूं, बाद में देश में कोई ईमानदार नहीं है, तो इस देश की परंपरा रही है। वो अडवाणी जी थे, खुराना जी थे, या दूसरे दल के भी ऐसे बहुत सारे मंत्रियों के एग्जाम्पल हैं कि जिन पर सीबीआई जांच प्रारंभ हुई या जो किसी कारण से जेल गए तो उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दिया, वो जांच पूर्ण हो गया, जांच में निर्दोष साबित हुए तो पुनः आकर के अपनी कुर्सी को संभाला। अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी हवाला के कांड में, रुपया हेरा फेरी के काम में, जमीन में घोटाला करने के कारण आज जेल में बंद हैं। जब वो जेल में बंद हुए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिसोदिया जी को बंद कर दो, हमको बंद कर दो, उनको बंद कर दो, उनको बंद। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को सपना आया था कि सिसोदिया ने घोटाला किया है, कल इसकी बारी आएगी? ये मुख्यमंत्री जी कैसे जानते थे? इस बात को वो बताएं कि उनको सपना में कौन आया था जो बोले था कि सिसोदिया जी पर जांच शुरू होगा, उन पर ऑलरेडी एजुकेशन जिस मॉडल की चर्चा पूरे विश्व में करते हैं, उस दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर के उन पर ऑलरेडी जांच चल रही है।
आपने दिल्ली को शराब के नगरी बना लेना ठान लिया है और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। इसको लेकर के हम 6 महीना पहले से आंदोलन कर रहे थे, जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने LG को उनके अवकारी नीति को लेकर के, शराब की नीति को लेकर के, उसमें हुए घोटाले को लेकर के CBI से जांच की सिफारिश कर दी, तब मुख्यमंत्री जी को दर्द होने लगा, वो चिल्लाने लगे, अरे भैया आप सांच हैं तो आपको डर क्यों है? मैं दिनेश प्रताप सिंह हूँ, खुला चुनौती देता हूँ, चाहे ED हो, CBI हो, चाहे देश की जो एजेंसी हो, मेरे विरोध में लगा दो, मेरा जांच कर लो, मुझ में कोई दोष नहीं, तो मैं डरूंगा क्यों? तो आप क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? जांच होने दो, तब तक आप अपने मंत्री को बर्खास्त करो, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, सिसोदिया को बर्खास्त करो, जब ये जांच में इनको क्लीन चिट मिल जाएगा, ये निर्दोष पाए जाएंगे, पुनः आप अपने पद से भी हट करके इनको सुशोभित कर देना, आपके नज़र में देशभक्त हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो मुख्यमंत्री पद से हट करके इन्हीं को मुख्यमंत्री बना देना, कौन मना किया है आपको? बिल्कुल, और जिस प्रकार से केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो सावरकर के औलाद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सावरकर की औलाद है और केजरीवाल भगत सिंह को मानते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये भगत सिंह का नाम लेकर के भगत सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर भगत सिंह जी की आत्मा धरती पर आकर के देखती होगी तो उसे कष्ट होता होगा। ये यही केजरीवाल हैं जो JNU में लोग नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़ा होंगे, इंशाअल्लाह उनके साथ खड़ा होने वाले मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह ने देश के लिए शहादत दिया, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े नहीं थे। भगत सिंह का नाम लेकर के ये भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश में जितने भी एंटी नेशन गतिविधि करने वाले लोग हैं, उनके तार इनसे जुड़े हुए हैं, उनसे ये मिलते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और भगत सिंह के नाम की दुहाई देते हैं। अरे वीर सावरकर पर और भगत सिंह पर तो केजरीवाल को बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके तुम धूल के बराबर भी नहीं हो। जो आदमी तिरंगा के सम्मान में 26 जनवरी को इंडिया गेट के परेड में तिरंगा के सम्मान में खड़ा होकर के सैल्यूट नहीं करता है, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, इससे बड़ा हास्यास्पद बात नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और सर जिस प्रकार से केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती है और वो ये कह भी रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, तो क्या ये गलत हैं या ये चीज़ें सही हैं? अरे भैया सच्चाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को नहीं बंद किया है। वो ED ने जांच किया, ED में उनके पैसे बरामद हुए, उनके सबूत मिले, यदि सबूत नहीं मिले रहते तो कोर्ट उनका कब का बाइज्जत बरी कर दिया रहता। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये सत्येंद्र जैन जी, इनके उप मुख्यमंत्री जी, जब जांच की आँच फैलेगी, जब सच्चाई सामने आएगी, तो पहले से ही चिल्लाने लगे हैं कि ये कर नहीं रहे, आप ही पूछ रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया को बंद करेंगे, कुछ दिन के बाद कहेंगे कि मोदी जी मुझे बंद करना चाह रहे हैं। अब जब वो सांच की आँच फैलेगी और पैसा चुनाव में आपने लेकर के यहाँ का वहाँ खर्च किया है, हवाला का माल इधर का उधर किया था, तो भाजपा के लोगों से पूछा था, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से पूछा था, कि मोदी जी से पूछा था, कि अमित शाह जी से पूछा था, कि आदरणीय JP नड्डा जी से पूछा था, कि दिनेश प्रताप सिंह जी से पूछा था, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चिट्ठी लिख करके पूछा था। बताएं जब वो सांच की आँच फैलेगी तो आँच वो अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुँचेगी और आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, इस देश का कानून सबसे बड़ा है और उस कानून का हम सम्मान करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को भी उस कानून का सम्मान करते हुए और देश के इतिहास का अध्ययन करते हुए अपने दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए और मैदान में आकर के कहना चाहिए कि हमारे मंत्री बिल्कुल सच हैं, ईमानदार हैं, इनका जांच करो, यदि ये दोषी पाए गए तो इनको सजा दो भारत के संविधान के तहत और दोषी नहीं पाए गए तो उन अधिकारियों को दंडित करो जिन्होंने झूठे आरोप में फंसाए थे। हिम्मत है तो आकर के मीडिया के सामने बोलिए।
मैं कहता हूं कि हिम्मत है तो आकर के मीडिया के सामने बोले। और जो बात कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, मैं जानता हूं अरविंद मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल जी 22 साल से, तो उसके पहले तो आप अन्ना को भी जानते थे, अन्ना के ही आंदोलन से निकले। तो अन्ना ने कहा कि चुनाव मत लड़ो, राजनीतिक पार्टी मत बनाओ, तो क्यों पार्टी बना लिया? अन्ना को नहीं जानते थे क्या? आप अन्ना को भी जानते थे। आप भारत के संविधान पढ़ करके भारत के प्रशासनिक सेवा में चुने गए थे। भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान क्या नहीं कहता है, आपसे बढ़िया यहाँ कोई नहीं जानता है, ये पूरा जान रहे हैं। लेकिन आप में दम है, आप में ताकत है, तो मीडिया के सामने आइए, दोनों मंत्रियों को बर्खास्त कीजिए और जोरदार तरीके से कहिए कि मैं इन दोनों को बर्खास्त करता हूं, देश की चाहे हो या विदेश की कोई भी एजेंसी हो, इनको जांच करे, यदि ये दोषी पाए जाएं तो भारत के संविधान के तहत इन पर सजा तय की जाए, और ये निर्दोष पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाए जिनको इन्होंने फंसाया। ताकत है तो मीडिया पर आकर के बोलो और दिखाओ। बिल्कुल। और एक अंतिम छोटा सा सवाल आपसे ले लेते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली की भाजपा प्रदेश जो कार्यकारिणी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, अधिकारियों को डिटेन भी किया जा रहा है आपके दिल्ली पुलिस द्वारा, तो क्या ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं समाप्त होगा, या जब तक बर्खास्तगी न हो या दिल्ली सरकार अपने मंत्रियों को बर्खास्त न करे तब तक ये प्रदर्शन जारी होगा? देखिए भैया, ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे हैं, पूरी अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार में बदल करके भ्रष्टाचार की दुकान बनाए हुए हैं और भ्रष्टाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या बैठ करके उनके नाम पर ताली बजाएगी कि जा करके उनको माला पहनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद हमारी पार्टी आती है, उसके बाद हम हैं। इस देश को, इस दिल्ली को हम डूबने नहीं देंगे, और जब तक ये बर्खास्त नहीं कर देते हैं अपने मुख्यमंत्रियों को, तब तक मुख्यमंत्री जी को हम चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हम निरंतर कहीं ना कहीं एक दो दिन के अंतर दे करके इनको स्मरण कराते रहेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे कि अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। यही बात कहने के लिए आज हम यहाँ पर नई दिल्ली के आईटीओ चौक पर लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये दूसरे दिन का प्रदर्शन था। नई दिल्ली सरकार के नए शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे आईटीओ चौक से, जहां पर अब गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद यहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, और डिटेन करने के बाद जब दिल्ली पुलिस उन्हें अपने वैन में बैठा कर ले गई और तमाम उन कुछ कार्यकर्ताओं को समझा बुझा कर वापस भेजा गया, तो कार्यकर्ता वापस गए और दिल्ली पुलिस ने सुचारू रूप से फिर से इस आईटीओ चौक पर आवागमन भी जो है शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा भी किया है कि जब तक दिल्ली सरकार और जब तक दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट अधिकारियों को, अपने भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री को सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर देते हैं, और जब तक संबंधित विभाग उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लेती है, तब तक उनका ये जो है प्रदर्शन जारी रहेगा, और नई दिल्ली को हम शराब का मठ नहीं बनने देंगे, हम नई दिल्ली को शराब का जगह नहीं बनने देंगे, यहाँ पे हम युवाओं का, लोगों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे, नई दिल्ली को विकास की ओर ले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारियों ने दावा भी किया। और उन्होंने कहा कि हम एक दो दिन के अंतराल पर लगातार ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक इन पर कोई कार्रवाई न हो। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।